जी भाई, एग्नोस्टिक इंजीनियर साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, कैसे हो? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। मैं पहले भी आया था आपकी स्ट्रीम में, अगर आपको याद है तो। मुझे याद नहीं है, थोड़ा सा गुफ्तगू अगर होगी तो हो सकता है कि याद आ जाए। जी हाँ मौलाना साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे एक्शंस खुदा खुदा के एक्शंस पे असरअंदाज हो सकते हैं? यानी खुदा आपके एक्शंस की वजह से मजबूर हो जाए, क्या उस पे मतलब है? असरअंदाज हो व्हाट सकते डू हैं यू मीन मौलाना बाय साहब? असरअंदाज होना, या आप उसको डिफाइन करें, क्या मतलब है इसका? अगर मैं कोई आप काम खुदा कर से रहा कोई हूं, चीज मांग रहे हैं वो आपको दे दे, अगर आप इसको असरअंदाज करें मैं तो ये अलग मसला है। और आप कुछ कर रहे हैं और खुदा मजबूर हो जाए कि यार अब तो अली हसन ने मुझे चैलेंज कर दिया, मैं क्या करूं, एक ये असरअंदाज होना है, दोनों में फर्क है ना, तो क्या मतलब है इसका? नहीं, आपसे बात कर रहा हूं ना, आपको मैं एक बात करूंगा, आप उसके बदले में उसका रिस्पांस करेंगे मेरी बात के बदले में, ठीक है? तो आप पे मेरी गुफ्तगू या मेरी बात आप पे असरअंदाज हो रही है, जो अगली बात आप कर रहे हो वो मेरी बात की वजह से आप कर रहे हो, तो मैं असरअंदाज हो गया आपकी बात पे। यानी असर अंदाज होने का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं अगर बोलूंगा और खुदा जवाब दे तो खुदा मजबूर हो गया। नहीं, मजबूर का लफ्ज मैंने यूज ही नहीं किया, असर मजबूर एक ज्यादा एक्सट्रीम उसमें आ जाएगी, मतलब बाउंड कर दिया ना किसी को। नहीं, बाउंड नहीं, मैं कह रहा अच्छा, हूं असर अंदाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं दैट्स आपने समथिंग। आपने लफ्ज का इंतखाब गलत किया ना। देखें, ये है लफ्जों का खेल कि मैं चले ऐसा चले, एक लफ्ज मिनट, लेकर मैं आऊंगा आपको कि प्रोसेस असर अंदाज, एक्सप्लेन इसका कर मतलब रहा ये कि इंसान असर अंदाज होता है खुदा के ऊपर। हूं, मैं एक प्रोसेस नहीं, एक्सप्लेन कर रहा हूं अब आप आपको। सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए मेरी बात कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं उसको बयान कर दूं। देखें, खुदा ने एक निजाम बनाया है, और खुदा कौन है? खुदा वो है कि जिसके पास सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। उसने एक निजाम बनाया कि तुम मुझसे मांगोगे तो मैं जो तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट होगा उसको कबूल करूंगा। अगर मान लो तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट वही है जो तुम मांग रहे हो तो वही दे दूंगा, या उससे कोई दूसरी बेहतर चीज दे दूंगा। अब एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, आपने उससे गुफ्तगू शुरू की, आपने कहा कि खुदा मुझे फला चीज दे दे। अब उसने दे दी, तो अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो उसने आपकी बात सुनी नहीं और समझी नहीं तो फिर वो कॉन्शियसनेस नहीं है, और अगर समझी और सुनी तो फिर वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है और उसने अपने बनाए हुए निजाम के तहत आपकी दुआ को कबूल कर लिया। इसको ये नहीं कहेंगे कि आप खुदा के ऊपर असरअंदाज हो गए, क्योंकि जिसके ऊपर असरअंदाज हुआ जाता है वो ड्रिवन होता है अपने इमोशंस के साथ, और खुदा इमोशनलेस है, उसके पास इमोशंस नहीं है। इमोशंस इंसान के पास है, वो अपने इमोशंस की वजह से उसको आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये बुनियादी तौर पर एक मैंने गुफ्तगू कर दी, अब इसके ऊपर आपको कुछ नहीं, कहना चाहिए। आपने जो गुफ्तगू की है या आपने जो बात बताई है वो आपने अपनी जो रीजनिंग है उसकी बेस पे बताई है। भैया, तो मैं मैं आपकी आपको रीजनिंग के एतबार से कोई बताऊंगा, अपनी रीजनिंग के एतबार से मैं बताऊंगा। व्हाट नहीं डू यू नहीं मीन बाय अपनी रीजनिंग? मैं अपनी रीजनिंग के एतबार से नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक होल प्रोसेस बताऊंगा कि एक्शन किस तरह से, मतलब जो एनवायरनमेंट के अंदर है वो लिया जाता है, जिसे अच्छा, साइकोलॉजी डिफाइन करती है और साइंस आप डिफाइन जो करती है। बताएंगे वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होगी। सुन लेना, मैं वही पूछ रहा हूं, आप जो बताएंगे वो एक इन्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव रियलिटी होगी, है ना? इन्वायरमेंट में आपकी एक प्रिसेप्शन आप होती है जो और बताएंगे, नहीं, पहले इस पर देखें बात जो है उस तरीके से करें, इस तरीके से ताकि स्टेप बाय स्टेप। आप जो बताने जा रहे हैं, मैंने तो अपनी रीजनिंग बताई, वो तो मेरी सब्जेक्टिव हो गई। आप जो बताने जा रहे हैं वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होने जा रही है, राइट? एम आई राइट? मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये कंसेंसस है, ठीक ऑब्जेक्टिव है? है? कंसेंसस है, किसका ऑब्जेक्ट कंसेंसस है? ये कंसेंसस है। किसका? बहुत सारे जो एक्सपर्टीज हैं बहुत सारों का डिफरेंट, कंसेंसस कंसेंसस नहीं होता, कंसेंसस होता ही सबका। सबका कंसेंस नहीं, बहुत किसका सारों का भी कंसेंसस होता है, किसका एक्सपर्ट्स का कंसेंसस होता किन है, ठीक एक्सपर्ट्स का? है, सरका नाम साइकोलॉजिस्ट लीजिए। का जो है वो होता है कंसेंसस, साइंस का कंसेंसस होता है डिफरेंट। जी एक सुने, आपने भी जो रीजनिंग बताई है आपने बताई अपने हिसाब से, आपने भी कहीं से कंसेंसस तो ड्राइव किया ना, कहीं से भाई, तो लिया ना, मैंने तो मान लिया ना, मेरी सब्जेक्टिव है, मैंने मान लिया। आप आपने ऑब्जेक्टिव अपनी बताने से है बताई। ना, आप ये कहने जा रहे हैं कि अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, हाँ, ठीक? अब आप नहीं अपनी आपकी क्या, अच्छा आपकी सुन सब्जेक्टिव लीजिए, मैंने सुन क्या, लीजिए, आप या तो मान लें कि वो ऑब्जेक्टिव है या कह दे कि नहीं है, दो ही तो ऑप्शन है ना। नहीं तो मैं नहीं कहूंगा ना कोई, मैं इसमें हाँ नहीं, इस पे कोई जवाब नहीं है मेरा। मैं जो आपसे बात कर रहा तो हूं इसलिए है कि वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, हाँ नहीं है, कुछ भी तो फिर क्या मेरी मैं मेरी सब्जेक्टिव मेरी मान लू? रीजनिंग को आप ये क्यों कह रहे हैं कि आपकी सब्जेक्टिव है, आपकी आपकी भी सब्जेक्टिव आपकी ही है। एक इंसान की रीजनिंग है ना, आपकी एक इंसान की रीजनिंग है, और चलो भाई, आमिर कंसेंसस की साहब, बात आपकी ये वही है। रीजनिंग है जो मेरी है?
हजरत मैं लिटरली थोड़ा सा अवे था, मैं माजरा चाहता हूँ। मेरी चले रीजनिंग और आप, मेरी रीजनिंग ये है, मैं आपकी रीजनिंग को ऑन करता हूँ और मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। एक्नॉलेज इस्लाम साहब, आपकी रीजनिंग वही है जो मेरी रीजनिंग। बिल्कुल, चलो जी, अभी यहाँ दो का आमिर भाई ने तो सुना नहीं था, बाकी अगर मैं अभी अभी अगर मैंने सर्वे करा लिया तो इस वक्त जो है हमारे तकरीबन 1826 लोग देख रहे हैं, उनमें से एक बड़ी तादाद मेरी रीजनिंग से मुत्तफिक होगी। तब आप ये कहेंगे मेरी ये जाती रीजनिंग है, ये तो मतलब ये देखें गुफ्तगु जो है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। अब आप जो रीजनिंग मुझे देंगे वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो आपकी पर्सनल है। अब आप मुझे अपनी पर्सनल रीजनिंग दीजिए। जी बोलिए, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। गो अहेड। हाँ मेरे, हाँ हाँ मौलाना साहिब, मैं जो बात कर रहा हूँ आप उसको शायद समझ नहीं पा रहे, या आप उस पे थोड़ा सा मतलब उस पे थोड़ा सोच विचार अभी नहीं तो कर पा रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सुने, आप सुने, रीजनिंग सुने, ठीक है, उसके बाद आगे बात बात चलाते हम, ठीक है। इसमें देखें एक होता है माहौल जिसके अंदर कुछ स्टिमुलस मिला, किसी इंसान ने कुछ किया, उसके बदले में आपने उसको परसीव किया, उसके बाद उसको इंटरप्रेट किया, और उसके बाद उसके बदले में आपने कोई एक्शन लिया, और उस एक्शन के बदले में आपको फीडबैक मिला, फिर आपकी परसेप्शन उसके बारे में बदल गई, और आपने मतलब आपका इसी तरह से जो आपका पूरा मैकेनिज्म होता है, सारा जो सिस्टम होता है एक्शन या रिएक्शन का, वो ऐसे ही बदलता या चेंज होता रहता है। इसमें आपका अगर कोई, इसमें कोई आपका क्वेश्चन या इसमें आप कोई अगर नफी करना चाहते हैं तो लाजमी मुझे बताएं, ये प्रोसेस है मैंने डिफाइन किया, आप मुझे बताएं। अगर आपका इसका कंसेंसस नहीं है तो फिर हम ठीक है, इस पे आगे मैं बात करूंगा। वो इंसानों में आपस में जो तरीका कार है वो कॉज एंड इफेक्ट का है, कि एक तरफ कॉज होता है तो भी दूसरी तरफ इफेक्ट होता है। इंसानों के अंदर यही तरीका कार राइज है, और ये खुदा का बनाया हुआ निजाम है जी। और खुदा ने, खुदा ने खुद ही कह दिया किला तब्दील अली खल्किल्ला, के अल्लाह ताला के इस निजाम में वलन तजीद अली सुन्नतिल्लाह तब्दीला, के खुदा के इस बनाए हुए निजाम ने, इसको सुन्नत कहा है, कोई तब्दीली नहीं पाओगे। यानी हमेशा इफेक्ट जो है वो किसी न किसी कॉज के नतीजे में होगा। वो कॉज वो भी हो सकता है जिसको आप जानते हैं, और वो भी हो सकता है कि जिसको आप ना जानते हो। चले सही हो गया, चले कम अज कम इस पे हमारा कंसेंसस हो गया सबका, ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या मेरे एक्शन से मेरा एक्शन असर अंदाज हो सकता है खुदा के एक्शन पर, ये मेरा क्वेश्चन है। मैं असर अंदाज होने का माना जानना चाह रहा हूँ कि क्या मतलब है, यानी आपका एक्शन कॉज हो और खुदा का कोई अमल इफेक्ट हो। मैंने कुछ किया, ओके, उसके बदले में खुदा ने कुछ किया, उसके आपने दुआ मांगी, खुदा ने दुआ कबूल कर ली। मैंने कुछ कत्ल किया, खुदा ने मुझे जहन्नम में डाल दिया। चलो ठीक है, आपने कत्ल किया, खुदा ने जहन्नम में डाल दिया, ओके, आगे बात करें। बिल्कुल ठीक, हाँ, तो असर अंदाज हुआ कि ना हुआ, चले आगे करें। बोले बोले बोले, नहीं ये मेरी बात खत्म हो गई। आप नहीं, असर अंदाज होने के लफ्ज से मुझे इख्तलाफ है ना, कॉज एंड इफेक्ट का लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप लफ्ज ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कॉज एंड इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैंने कत्ल किया ये कॉज है, उसके नतीजे में खुदा मुझे जहन्नम में डाल देगा ये इफेक्ट है। क्या ये सही है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। अब इस पर आप बात करें, मतलब आप कह रहे हो कि मैं कॉज हूं और मैं ही इफेक्ट हूं और खुदा नहीं है, तो फिर आप क्या कह रहे हैं? आपने बोला कि मैंने कत्ल किया या आपने कॉज किया, उसके नतीजे में खुदा आपको जहन्नम में डालेगा, ये उसका या आपके अमल का इफेक्ट है। मेरे अमल का इफेक्ट किसके एक्शन पे हो रहा है? आपके अपने एक्शन पर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं ही कॉज हूँ और मैं उसके इफेक्ट में मैं ही जहन्नम में जा रहा हूँ, ये कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए खुदा को आप साइड में रख दीजिए, आप कत्ल करेंगे तो आप ही को सजा नहीं मिलेगी, वो दुनियावी दुनिया है, दुनिया तो छोड़ दें। मैं इस वक्त खुदा की बात, यानी कॉज एंड इफेक्ट का निजाम तो यहीं पर नाफिज है ना, दुनिया को कैसे छोड़ दें भाई? मैं खुदा की बात, छोड़ना पड़ेगा ना, आपने दुनिया किसने बनाई है? खुदा ने बनाई है ना, तो खुदा ने कॉज एंड इफेक्ट का सिस्टम दुनिया में रखा है। खुदा ने कॉज एंड इफेक्ट का निजाम बनाया, वो हमारे लिए बनाया, अपने लिए नहीं बनाया। अच्छा ठीक है, हमारे लिए बनाया उसने कॉज एंड इफेक्ट का निजाम, आपने कत्ल किया, मेरे एक्शन, मेरे एक्शन उसके, उसके एक्शन पे इफेक्ट नहीं होने हो सकते आपके मुताबिक? बिल्कुल नहीं, आपके, आपके एक्शंस आप ही के ऊपर असर अंदाज होंगे। तो इसका मतलब है कि मैं ही कॉज हूँ जहन्नुम में जाने के लिए? यानी मैंने किया जो, अच्छा मैंने जो काम किया उसकी वजह से मैं ही जहन्नुम में जा रहा हूँ, और कौन जाएगा? ठीक है, अच्छा मैंने जो काम किया, मतलब मैंने एक कत्ल किया, उस एक्शन की वजह से मैं खुद को ही जहन्नुम में भेज रहा हूँ, मुझे कोई और नहीं भेज रहा। कितनी मरतबा कहूँ, आप अपनी बात मुकम्मल कर ले, कुछ बात मुकम्मल कर लीजिए, पूरा आर्ग्यूमेंट दे दीजिए।
आप जो भी डिस्कशन कर रहे हैं उसको कंक्लूड कर दीजिए ताकि बात आगे तक बढ़े, वरना एक ही चीज रिपीट होती रहेगी, वो फायदा नहीं है। मुझे आपका पॉइंट पता चलेगा तो मैं आगे आगे बात कर पाऊंगा ना, यहाँ पे मुझे आप छोड़ दीजिए, आप समझ लीजिए कि मुझे समझा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, थोड़ी देर के लिए मान लें, आप अपना पॉइंट समझाने की कोशिश करें। हाँ तो मैं ये अभी आपको मैंने क्या कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कत्ल किया और मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपने ही मतलब मैंने काम किया, मैंने कोस किया और मैं अपने आप को ही जहन्नुम में भेज रहा हूँ, क्या इस ठीक है ये बात? आगे बढ़े, मैं तो कह चुका हूँ आगे बढ़े। देयरफॉर व्हाट इज द कंक्लूजन? तो कंक्लूजन ये है कि मैं अपने आप को जहन्नुम में भेज रहा हूँ, मतलब खुदा नहीं भेज रहा मुझे। ओके, देयरफॉर तो फिर इसका मतलब है कि मेरा एक्शन खुदा पे असरअंदाज नहीं हो रहा आपके मुताबिक। देयरफॉर खुदा मुझे जहन्नुम में नहीं भेजेगा, दोजख जन्नत में नहीं भेजेगा, मैं खुद को खुद ही Therefore, God doesn't exist, है ना? ये तो कहना चाह रहे ना? मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा, मैं मेरा वो बात ही नहीं है, मैं जो चीज समझ रहा हूँ, मैं जो नॉलेज लेना चाह रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कत्ल मैंने किया, कत्ल मैंने किया तो मैं अपने आप को जहन्नम में भेज रहा हूँ, खुदा नहीं भेज रहा है, है ना? आप ये कहना चाह रहे हैं ना? आप ये कहना चाह रहे हैं कत्ल मैंने किया तो मैं अपने आप को जहन्नम में भेज रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं, खुदा नहीं भेज रहा है, ठीक, सही है? अच्छा, ऐसे समझ ले ये निजाम के कत्ल आप करेंगे और जहन्नम में जाएंगे, ये निजाम आपका बनाया हुआ या खुदा का बनाया हुआ? नहीं तो ये निजाम अगर खुदा का बनाया हुआ है तो उस निजाम में भी तो अफेक्ट खुदा जो फैसला करेगा वो मेरे एक्शन से करेगा ना, कि ये निजाम आपने बनाया या खुदा ने बनाया? हाँ तो मैं खुदा ने बनाया ना ये निजाम, खुदा ने बनाया तो भेजेगा वो या आप अपने आप को खुद भेजेंगे? जाएंगे आप, इफेक्ट ये है, भेजेगा वो चूंकि निजाम उसने बनाया है। हाँ तो भेजेगा वो, मतलब मेरा एक्शन एक एक्शन ए है। अब उसने एक निजाम बना दिया, उस निजाम के तहत ये दुनिया और ये कायनात ऑपरेट होगी, आपने यहाँ जुर्म किया, उस जुर्म की सजा आपको मिलेगी चूंकि आप मुजरिम है, ठीक है। अब आप ये नहीं कहेंगे यार जुर्म मैंने किया सजा मुझे मिल रही है, तो ये तो मेरा बनाया हुआ निजाम हुआ, हुकूमत का बनाया हुआ निजाम तो नहीं हुआ। नहीं जी, हुकूमत ने बनाया, किसी जगह पे अगर मैंने ये कहा हो कि मैंने कहीं पे ये पॉइंट रखा हो कि निजाम मैंने बनाया तो फिर आप बात करें, मैंने ये बात की नहीं, मैं ये मेरा तो पॉइंट ही मुद्दा ये है, आपने ये बात कही, आपने ये बात कही थी कि जब मैंने जुर्म किया और मैं ही जलूंगा तो मैं ही कॉज मैं ही इफेक्ट, गोया के मैं खुद अपने आप को भेज रहा हूँ, खुदा नहीं भेज रहा है, ये आपने कहा था और मैंने आपको आपसे तीन मरतबा पूछा, आप यही कह रहे हैं, आपने कहा यही कह रहा हूँ, उसके बाद मैंने जब आपसे सवाल किया उसमें आप जो है फिर आपने बात बदल दी। मेरा जो क्वेश्चन था वो ये, नहीं नहीं बात मैंने कहीं नहीं बदली, आप काइंडली दिस इज गोइंग टू बी अ पर्सनल अटैक हो जाती है इस तरह की चीज, मैं जो बात कर रहा हूं मैं समझ रहा हूं, काइंडली इस चीज को समझिएगा, मैं ये बात मेरा शुरू से मुद्दा ये है कि क्या मेरा एक्शन खुदा के, अब आपने कहा उसने निजाम बनाया, उस निजाम के मुताबिक आप दोजख में जा रहे हो, एक निजाम बना जुडिशियल सिस्टम, उसमें एक जज बैठता है, मैंने काम किया तो जज ने मुझे मेरे काम की वजह से जज इफेक्ट हो गया, तो निजाम उसका बना हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जज इफेक्ट नहीं हो रहा, समझ रहे हैं बात को? तो अब वो जज अगर इफेक्ट हो रहा है मेरे एक्शन की वजह से, दैट मींस कि वो मेरा एक एक्शन था ए, उसका एक्शन बी, वो मेरे उस इफेक्ट की वजह से हो रहा है जो कि मैंने कोज किया उसके लिए, ठीक है, वो असर अंदाज हुआ उस एक्शन की वजह से और उसकी वजह से मुझे अजीब ही बात हो रही है वैसे, यानी उस जज के बारे में क्या कहेंगे कि जिसे जो किसी क्रिमिनल को जस्टिस, यानी जस्टिस उसको कोई ऑफेंस हुआ उसको नहीं पकड़ेगा, यानी वो इफेक्ट भी ना ले भाई आपसे, और उसको भी इफेक्ट कह रहे हैं, यानी अदल की एक सिफ्त है जिस सिफ्त का तकाजा ये है कि उसका इजहार हो। नहीं आमिर भाई एक मिनट, मैं आपसे एक मिनट, होल्ड ऑन एग्नोस्टिक इंजीनियर, ये बात हो ही नहीं रही है, होल्ड ऑन एक मिनट मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, सिंपल सा सवाल, आप कॉज एंड इफेक्ट इस पूरे इवेंट में आपने कत्ल किया और जहन्नम में आप गए, इसमें कॉज क्या है इफेक्ट क्या है? मैंने कत्ल किया, ये कॉज है, इफेक्ट, इफेक्ट ये हुआ कि जज ने मुझे एक जारी कर दी स्टेटमेंट के इसको दोजख में डाल दो और इसको ये इफेक्ट है या आपका जहन्नम में जाना इफेक्ट है? वो तो आपकी, वो तो जज के एक्शन का इफेक्ट है ना, नहीं वो तो खुदा ने लॉ बना दिया ऑलरेडी,
खुदा ने लॉ आपके कत्ल करने के बाद नहीं बनाया, तब होता ये इफेक्ट। लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब आपने कत्ल किया और अब आप जहन्नम में चले गए, तो आपका जहन्नम में जाना उस लॉ की रोशनी में कि जो लॉ पहले से एग्जिस्ट करता है, ये इफेक्ट है। नहीं, आपका जहन्नम में जाना इफेक्ट है, ना कि खुदा का फैसला करना। मुफ्ती साहब ऐसा तो नहीं, अगर ये कहना चाह रहे हैं, अगर ये यार मुझे भी तो बोल, इंजीनियर साहब क्या करूं, मैं चला जाऊं, मैं सो जाऊं, चिल्ला काटूं, रुक जाना, निकल जाएगा ठीक है। वो पॉइंट नहीं निकलता ना, आप एग्नोस्टिक है, नहीं निकलता होता। एग्नोस्टिक तो पक्के पक्के होते हैं, मजबूत होते हैं, टेंशन है। अगर ये ऐसे ही है कि स्विच के अंदर बंदा, स्विच के अंदर बंदा हाथ दे और ये कॉज है, और उसका इफेक्ट करंट लगना नहीं होना चाहिए, बल्कि वापटा का नोटिस आना चाहिए। जिस तरह वर्ल्ड वॉर वन के अंदर जिस बंदे ने वो कॉज की थी, उसकी बीवी को मार दिया, अच्छा वो कॉज बन गई पूरी, अब इसी वजह से इतने सारे यहूदी मारे गए। ये नहीं, दरमियान के जो इवेंट्स होते हैं वो मिस नहीं करते आप। ना तो वर्ल्ड वॉर वन में यहूदी मरा, पता नहीं कहां कहां की बात कर रहे हैं। मतलब वर्ल्ड वॉर वन से वर्ल्ड वॉर टू में मरे ना, वर्ल्ड वॉर टू में वर्ल्ड वॉर वन कहा ना, उसमें कहा। अरे अरे सुने 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 आप, ये ही गलती आप कर रहे हैं। नहीं, ये गलती नहीं है, यही इस्लाह है, ये आपकी गलती की इस्लाह है। आप जो बात कर रहे हैं वो आपकी डेफिनेशन है, इसलिए एक्चुअल करें। मैंने आपसे सिंपल सा सवाल किया भाई, कत्ल और जहन्नम में जाने में कॉज एंड इफेक्ट क्या है? आपने खुद मान लिया कि कॉज जो है मेरा कत्ल करना है, जहन्नम में जाना मेरा इफेक्ट है। आपने माना कि नहीं माना? तो उसके दरमियान के इवेंट्स कहां गए सर? उसके दरमियान तो है ना भाई, वो लॉ तो एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, वो लॉ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इफेक्ट क्या आप ये कह रहे हैं कि इफेक्ट कॉज से पहले एग्जिस्ट कर सकता है? कर सकता है, वाह। यानी इफेक्ट पहले होगा, कॉज बाद में होगा। यानी आप पहले पैदा होंगे, अम्मा अब्बा बाद में आएंगे। उस इफेक्ट के पीछे एक कॉज होगा, अम्मा अब्बा से पहले आप पैदा हो गए। ये ऐसे नहीं होता सर, एक मिनट सुने जरा। आपने खुद ही बोला अदरत सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। उन्होंने अभी इंजीनियरिंग मुकम्मल नहीं की, मगर इंजीनियर तो है ना जी, इंजीनियर हो गए। इंजीनियर मुकम्मल किए बगैर इंजीनियर हो गए। आप भी हक, आमिर हक हो गए यार। नहीं, वो तो आप कह रहे हैं, हम तो नहीं मानते ना, ये तो आपका स्टैंडर्ड है। अरे थोड़ी देर पहले मुफ्ती साहब इंजीनियर कह रहे थे, एक मिनट सुने, ये जब बात हो रही होती है तो कैके मारने की निशानी होती है कि आप बेवकूफ हैं, ठीक है, हम हार रहे हैं, हम हार रहे हैं। यही होती है, हम हार गए। बिल्कुल, इस बात सही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने कहा था जब सीरियस गुफ्तगू होती है तो उस वक्त कहके मारना बेवकूफ की अलामत होती है। सीरियस गुफ्तगू हो ही नहीं रही यहाँ पे, हम तो सीरियस गुफ्तगू कर ही नहीं रहे ना भाई। चले, नहीं हो रही सीरियस गुफ्तगू, आप नहीं कर रहे सीरियस। हाँ, तो इसलिए हम कहके मार सकते हैं, आप नहीं मार सकते क्योंकि आप सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं। मतलब आप मारेंगे तो बेवकूफ है, हम नहीं मार रहे, हम तो सीरियस गुफ्तगू कर ही नहीं रहे भाई। एग्जैक्टली यार, इतने एग्नोस्टिक भाई रिलैक्स रहे हैं, चिल रहे हैं, इतना नहीं सेंसिटिव। मैंने मुफ्ती साहब ने भी पहले भी एक लाइटर नोट पे बात की थी, उस वक्त वो बड़ा सीरियस नोट लेके आप फटाफट टची हुए थे, ये मेरी तोहीन हो रही है, ये मेरा पर्सनल अटैक। ऐसे नहीं होता, गपशप लगाया करें, सीखें, सिखाएं, हंसें, थोड़ा खुश रहें यार। खुश्क तो हम पर इल्जाम लगता है कि दीन जो होता है इस्लाम खुश्क कर देता है, हम मुस्कुरा रहे हैं और आप टेंशन में। ये किस किस्म का एग्नोस्टिसिज्म रहते हैं, आप खुश हो गए, आप ये हमारे, आपसे कोई गिला नहीं है, बस ये है कि मैं बात कर रहा था उनसे, मुफ्ती साहब से। चलिए इस डिस्कशन को रैप अप करें, तीन घंटे ऊपर, तीन घंटे से ज्यादा हो गए, इस गुफ्तगू को रैप अप करना है। पॉइंट सिंपल सा ये था कि आपने बोला दो, आज एक आपने दावा किया, बहुत बड़ा दावा किया, वो ये कि इफेक्ट पहले होता है, कॉज बाद में हो सकता है। तो ये आपका दावा है, और इस दावे को आप खुद गौर कीजिएगा कि भाई इफेक्ट अदरत अब खुद हंस रहे हैं, अब खुद हंस रहे हैं। और उसके साथ नहीं 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 वो बात ही गौर कीजिएगा कि ये दावा कितना रैशनली और फिलोसॉफिकली ठीक है। आप मेरी अगर ये वाकई ठीक है कर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं, एक मिनट, ये स्ट्रॉमैन है भाई। अभी तो आपसे आपने बोला कि हाँ हो सकता है, तो जब मैंने उसके बारे में कहा कि अच्छा तो आप पहले आए, आपके अम्मा अब्बा, इसका मतलब ये कि आप अपने अम्मा अब्बा से पहले आ गए। अगली बात सुनी आपने, अच्छा ऐसे करें अगरत, आप ना कंक्लूड कर लें क्योंकि वाकई टाइम ज्यादा हो गया। एग्नोस्टिक भाई उनको कंक्लूड पॉइंट मेरे ख्याल से कर दिया है। आमिर भाई एक बात सुन ले, उन्होंने अगली बात नहीं सुनी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो इफेक्ट होगा, जो हुआ होगा, उससे पीछे कॉज होगा, उसके उस कॉज का भी कुछ ना कोई इफेक्ट होगा। नहीं, नहीं, उसकी बात नहीं हो रही, कॉज एंड इफेक्ट, ये एक कॉज है, एक इफेक्ट है। मैंने पूछा कि होती है, मैंने पूछा कि कॉज से पहले उसका इफेक्ट आ सकता है कि नहीं। जो प्राइम कॉज, जो सबसे पहला कॉज होगा, नहीं 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 नहीं
ये आप इजाफा कर रहे हैं, आप एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक ये आप डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। जब आप फंस गए, आपने कहा आपने उस वक्त बात नहीं सुनी, ये बात आपको उस वक्त कहनी चाहिए थी। और दूसरी बात है कि आप प्राइम कॉज को मानते हैं, मैंने कही थी आप प्राइम कॉज को मानते हैं, आप प्राइम कॉज को मानते हैं फिलोसॉफिकली? यस देयर माइट बी अ प्राइम कॉज। व्हाट डू यू मीन माइट बी? अभी तो आप प्राइम आप कहिए कि है कि नहीं है। व्हाट डू यू मीन माइट बी? अगर अगर आप प्राइम कॉज के बारे में शक में मुबतला है तो आप प्राइम कॉज का लफ्ज लेकर ही क्यों आए? नहीं, मैं शक में मुबतला नहीं हूं। है होगा होगा तो शक है कि ये है या नहीं। अच्छा चले ठीक है, आप ऐसे ऐसे अच्छा एग्नोस्टिक भी हैं और कह रहे हैं मैं शक में नहीं हूं। शक में एग्जैक्टली, तो आप मुझे बताएं प्राइम कॉज है या नहीं है, हाँ या ना? जो सबसे पहला किसी चीज को कॉज करने के लिए इवेंट होगा होगा, प्राइम कॉज है या नहीं, हाँ या ना? है है, ठीक है। तो आप एग्नोस्टिक नहीं है क्योंकि प्राइम कॉज को मानने वाला खुदा में यकीन रखता है। ठीक है, पढ़ा दे, पढ़ा दे, पढ़े पढ़े, आपको आपको आता है, पढ़िए, हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं। मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, ठीक है, बातें आप कंक्लूड करें क्योंकि आपका टाइम काफी हो गया।